हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे द पेट गुरु के चैनल पे। तो हमें जैसे कि एस के आई पोल्ट्री फार्म पे इब्राहिम भाई के साथ में। तो हाय इब्राहिम भाई, कैसे हो? ठीक हूँ। तो वालेकुम सलाम इब्राहिम भाई। तो इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हम, क्या बता रहे हो? आपको दिखाने वाला हूँ मेरे पास में कुछ स्टॉक है, मेरा ब्रीडर सेटअप का है। ओके। तो अभी फिलहाल मेरे को इसमें से जो मेरे देसी के बर्ड्स हैं वो कम करने हैं। तो अदरवाइज किसको ब्रीडिंग सेटअप के लिए लेना है या किसको पर्सनली पालना है मुझे कॉन्टेक्ट करें। तो ये सारे डक्स अवेलेबल है आपके पास? हाँ, मेरे पास सारे में नहीं, खाली इसमें मेरे पास में आपको मिल जाएगा। तो इसमें मिलेगा ये कलर में, ये हाँ देसी डक्स है। हाँ, देसी डक्स में सेल करना है, बाकी व्हाइट पैकिंग है मोस्को भी अभी फिलहाल सेलिंग के लिए। तो ये व्हाइट वाले जो है इनके बच्चे वगैरह मिलते हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास बच्चे मिल जाते हैं, व्हाइट पैकिंग के बच्चे मिल जाएंगे आपको, देसी के भी मिल जाएंगे, मोस्कोवी के मिल जाएंगे। मोस्कोवी के तो अभी फिलहाल सीजन खत्म हो चुका है तो अभी अवेलेबल नहीं मिलेगी मेरे पास। ओके। अदरवाइज देसी और व्हाइट पैकिंग आपको मेरे पास मिल जाएगा ना, देसी और व्हाइट पैकिंग के आपको बच्चे मिल जाएंगे। और बाकी देसी डक्स आपके पास पेरेंट्स भी अवेलेबल है, चिक्स भी अवेलेबल है? चिक्स अभी नहीं है, चिक्स ऑर्डर पे मिलेगा, ऑर्डर पे मिलेगा। मतलब जैसा बच्चे निकलने टाइम जाता है ना। ओके, तो ओके, हिसाब से मिल जाएगा। अदरवाइज मेरे पास स्टॉक रहता है तो जब भी आपको चिक्स मिल जाएगा ना। तो जैसे कि ये जो पैकिंग डक है इनके साइज वगैरह तो काफी अच्छे रहते हैं। हाँ, बड़े होते ये 5 केजी तक अराउंड इनका वेट आता है, 5 केजी तक का। और छोटे वाले जो देसी है, छोटे वाले देसी रहता है वो 1 किलो 1.5 किलो जाता है। 1 किलो 1.5 किलो, 1.5 किलो तो मिनिमम जाता है। तो ये सारे मीट पर्पस के लिए भी यूज होते हैं? तो मीट पर्पस के लिए भी जाते हैं, खाने वाले भी है फिलहाल। ओके। मुंबई में ना। और ये वाले तो यूनिक है, एक्सोटिक में आए गई है ये, एक्सोटिक में आते हैं मोस्कोवी डक्स है। मोस्कोवी है ना, फ्लाइंग डक भी बोलते हैं। अच्छा, फ्लाइंग भी वो करते हैं, दो तीन नाम इनके। अच्छा, चाइनीज डक भी बोला जाता है, चाइनीज डक। अच्छा, दो तीन नाम से इनको पुकारा जाता है, मोस्टली नाम इसका मोस्कोवी डक। मोस्कोवी डक है, और ये रीजन चाइनीज के, मतलब चाइनीज ब्रीड, चाइनीज ब्रीड के। ओके, एशियन ब्रीड ही है, मतलब चाइनीज के नेटिव है। ओके भाई, तो ये डक्स के जो है हम इसमें कवर कर रहे हैं खाली। तो इसको पालना कैसा है, मतलब कुछ अलग खिलाना होता है इब्राहिम? अलग कुछ नहीं है। आप मुर्गी पालते हो तो मुर्गी में थोड़ा इशू रहता है, बट बदक में आपको कुछ इशू नहीं है। आपका घर का वेस्ट है जो खिला दो, या फ्री रेंज में छोड़ते हो तो गटर वटर में से जो भी चुन उनके खा लेंगे। अच्छा। या तो आप इनको अनाज भी दे सकते हो, जरूरी नहीं इनको फीड डालो। अच्छा, इनको अनाज भी दे सकते हैं, चावल वगैरह, चावल गेहूं बाजरा मिक्स करके आप डाल सकते हैं। ओके ओके, तो सारा कुछ ये लोग मतलब खा लेते हैं ना। इनका खाना वेजिटेरियन ही होते हैं ना ये भी खाने में? नहीं, वेजिटेरियन नॉन वेज भी रहते हैं, फिश वगैरह भी है, फिश वगैरह भी खा लेते हैं, कचरा मिल जाएगा मच्छी का तो आराम से। अच्छा अच्छा, वो सब भी खा लेते हैं ये लोग। ओके, देख सकते हैं। अभी डक पालना मुंबई में काफी कम लोग पाल रहे हैं, क्या कैसा है अभी इसका शौक? है, शौकीन लोग भी है कोई कोई, अभी कहते हैं ना हर टाइप के लोग हैं, किस किस को बर्ड्स वगैरह पसंद है, किसको बदक वगैरह की ब्रीड पसंद है, तो किसको मुर्गी वगैरह की ब्रीड पसंद है, सब अपने अपने। ऐसा है कि फार्म वगैरह पे बदक वगैरह रखे तो काफी अच्छा एक बहुत अच्छा लुक आता है। जैसा भाई का फार्म है पूरा ओपन एरिया में, ये डग्स घूमते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मेरे इधर तालाब है, तालाब में जब जाते हैं ना तो बहुत क्यूट और बहुत प्यारे दिखते। पीछे तालाब भी है ना आपके? तीन तालाब है मेरे। हाँ, फ्री रेंज में रखो तो काफी अच्छे हैं ये। हाँ, फ्री रेंज में रखते हो तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। हाँ, अगर केजेस वगैरह रखते हो थोड़ा ध्यान रखते है ना इनका ज्यादा, बाकी फ्री रेंज के लिए अच्छा है। देसी में रखते हो अंडे की क्वांटिटी बहुत अच्छी आती है, अंडे की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। व्हाइट पैकिंग रखते हो मीट पर्पस अच्छा आता है, और ये मोस्कोवी रखते हो तो मोस्कोवी आपका मीट पर्पस भी आता है, एग पर्पस भी अच्छा है। मतलब ईयरली में 2 बार अंडे देते हैं, बट मीट पर्पस के लिए मेल इनके अराउंड 7-8 केजी जाते हैं मोस्कोवी के, एकदम हैवी जाते हैं, और मीट बहुत बोले स्ट्रांग है अपना मोस्कोवी का। इनका जो मीट वगैरह तो काफी गर्म होता है ना, ये गर्मी वगैरह में, समर्स में नहीं, ठंडी में खाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो साउथ वगैरह में तो उनका मीट चलता है, मतलब है ना, साउथ में चलता है, कोलकाता में चलता है, इंडिया में भी चलता है, इंडिया में भी चलता है, बहुत मीट पर्पस के लिए गया है। अच्छा, इधर मुंबई वगैरह महाराष्ट्र में भी? अब मैं स्टॉक कम कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉक कम कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था ना फार्म पे और वैरायटीज लानी है अपना ब्रीड्स की, फैंसी ब्रीड्स की। ओके, उसकी वजह से मैं डक्स में ब्रीड कम कर रहा हूँ, रहेगा मेरे पास डक्स की ब्रीड आपको मिल जाएगा कभी भी, बट अब क्वांटिटी कम हो जाएगी। ओके ठीक है गाइस, तो किसी को भी अगर डक्स की रिक्वायरमेंट है तो देख सकते हो काफ़ी डक्स अवेलेबल है, एक्जोटिक में हो या देसी में, इब्राहिम भाई से कांटेक्ट करें। ठीक है इब्राहिम, तो आपका मैं नंबर वीडियो में दे दूंगा, अगर किसी भाई को भी ज़रूरत है डक्स की आपको कांटेक्ट कर। तो डिलीवरी वगैरह करते हो इनकी? अगर डिलीवरी क्वांटिटी रहेगी कुछ तो मैं डिलीवरी करवा दूंगा ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, बट केजेस वगैरह में जाएगा, जो भी केज वगैरह चार्जेस रहेगा वो सब आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मतलब एकदम प्रॉपरली केज के अंदर इसको डिलीवरी करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस जाएंगे आप पे कर सकते हो, तो आपको ये चीजें मिल जाएगी, राइट? मुंबई भी रहेगा, इन मुंबई भी हो जाएगा, बट पोर्टर से होएगा,
अच्छा, इन मुंबई में भी प्रोटर से हो जाता है, इजीली हो जाता है। ओके, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है गाइस, तो तिलन के लिए थैंक यू। ओके इब्राहिम, तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपके डग्स देखे, आगे हम आपके फैंसी चिकन्स वगैरह देख लेंगे। ओके, टिल देन के लिए थैंक यू, बाय।